ऐसे है जी, एक नया वेरिएंट है, अभी इसकी कोई इतनी स्टडी भी नहीं है, अब तक जितने केसेस आए हैं उसमें एक माइल्ड डिजीज़ है, कुछ हल्का फुल्का बुखार भी नहीं है, हल्का फुल्का गला ख़राब या कुछ है, पर अभी इतना टाइम नहीं है कि हम बता सकें, ना इतनी स्टडी है कि इसके और भी क्या कारण हो सकते हैं या कैसी प्रेजेंटेशन हो सकती है। हम ये कहना चाहते हैं कि आप अपना बचाव रखें, हमें एक्सपेरिमेंट ना करें, हम सब ये ध्यान रखें कि हमें कोरोना ना हो, कोई भी वेरिएंट। मैंने स्कूलों में भी देखा गया, अब कोरोना के केस आए हैं, और हॉस्पिटलों में किस तरह के इंतजाम रखे गए हैं, क्वारंटाइन में जो लेके जाते हैं वहाँ पे किस तरह के इंतजाम। ऐसे है कि जी, इस टाइम पे सब स्कूल खुले हैं, कॉलेज खुले हैं, मॉल खुले हैं, थिएटर खुले हैं, शादियाँ हो रही हैं, पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि अपना मास्क पहन के रखें, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग करें। जहाँ भी कोई केस पॉजिटिव आता है, अगर उनके घर में ऐसे हालात हैं कि उनको घर में आइसोलेट नहीं किया जा सकता है, हम उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं ताकि उनसे और लोगों को इन्फेक्शन ना हो पाए। हॉस्पिटल में उनके लिए एक अलग आइसोलेशन वार्ड है जहां उनका सारे टेस्ट होते हैं और उनको मॉनिटर किया जाता है। खाने के किस तरह के इंतजाम है मैडम? खाने रहने? देखिए, जब हमारे पास हॉस्पिटल में मरीज आता है वो आइसोलेशन में है। आइसोलेशन का मतलब है वो अपने रिश्तेदारों से और नज़दीकी लोगों से मिलजुल नहीं सकता है, उसको हमें अलग रखना पड़ता है। उसका खाने का इंतज़ाम पूरा अस्पताल द्वारा किया जाता है, 3 टाइम प्रॉपर मील दिया जाता है, और ये भी ध्यान रखा जाता है कि वो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको ऐसा खाना दिया जाए जहाँ उसको कोई भी कमज़ोरी ना आ सके। मैडम, जो स्कूलों में केस आ रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? स्कूलों में केस का है जी, जो भी कोई बच्चा आता है, हम ये नहीं कह सकते कि वो स्कूल से ही इन्फेक्ट हुआ है, वो घर से हुआ है। हम जो पॉजिटिव केस आता है उसके स्कूल के जितने कॉन्टैक्ट्स होते हैं और जितने घर के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उन सबको स्क्रीन करते हैं, टेस्ट करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। मैडम, लोगों को यदि आप संदेश देना चाहें तो क्या देंगे? मैं सब लोगों से यही गुजारिश करना चाहती हूँ, अभी कोरोना नहीं गया है, हमारे पास केस आ रहे हैं और इस वक्त पे केस बढ़ने शुरू हो गए हैं। प्लीज़ सावधानी बरतिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, हाथ धोएं, अपने और अपने साथियों का, अपने घर वालों का, रिश्तेदारों का और समाज का पूरा ध्यान रखें।